नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे जय जगन्नाथ टीवी देखुवा समस्त भक्त बंधु मान श्रीक्षेत्र पुरी रु जय जगन्नाथ टीवी सीधा प्रसारण कार्यक्रम प्रातः अधिवेशन को आपण मानक स्वागत 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 प्रभुंकर सिंहद्वार सिंहद्वय मध्य भागर अरुण स्तंभ विद्यमान एवं बैश पावच जो बैश पावच्छर स्पर्श समस्तंकर मन भितरे थाए गोटे लक्ष्य किभली भावरे बैश पावच्छर स्पर्श करिवु काहेकि से बैश पावच्छर स्पर्शता मन भितरे व्याकुलता वृद्धि करिथाए ना से बैश पावच्छ पथ अतिक्रम कले आमे परम ब्रह्म परम जगन्नाथ को दर्शन करिवु जो जगन्नाथंकर दर्शन करिबा पाई ए जीवन जन्म हिछि जो जगन्नाथंकर सानिध्य पाइबा पाई ए जीवन जन्म हिछि मनीष जीवन मनीषर कर्तव्य मनीषर कर्म स्वतंत्र थाए प्रत्येक प्राणी माने रहिछंती श्रेष्ठ प्राणी मनुष्यर कर्म मनुष्यर कर्तव्य मनुष्यर धर्म एहा स्वतंत्र भावरे रहिथाए तीर्थराज महोदधी कूलर सिंहद्वार सिंहद्वार तीर्थराज महोदधी कूल ये जो स्थानटी को आपण देखुचंती तीर्थराज महोदधी पुणी सिंहद्वार दर्शन करुचंती एही स्थान व्यवधान अत्यंत पवित्रमय बोली वर्णित रही विविध शास्त्र मानक तीर्थराज कूल ठिया होती भक्त मान कहीं ठिया होती समुद्र कूल को गले प्रथमतः खुशी लगी थाए कारण विशाल समुद्र को जेते दर्शन करती सुविशाल ये एत बड़ विशाल समुद्र केउठारे आपण दृश्यमान पाइबे नाही ए जलराशि को देखिदेले ए जलराशि कूल लंघन बा कूल स्पर्श कले पवित्रता सहित धार्मिक चेतना आसी थाए ता सहित सहजरे प्रातः समय ए प्रातः समय रे समस्ते मुक्त वायु टिके आग्रहण करिबा पाई ग्रहण करिबा पाई शरीर पाई समस्ते जानती सूर्यंकर उदय दर्शन को दर्शन करिथांती सूर्यंकर उदय पर्वर सूर्यंकर किरण रु किछि शरीर प्रति आवश्यकता हेतुबा ये तांकर सूर्य किरण ही ग्रहण करिथांती तेणु समस्ते सूर्य उदय देखिबे दर्शन करिबे सूर्य नारायण कर दर्शन करिबे काहेकि गोटिए पटे नारायण कर दर्शन पतित पावन नारायण कर आमे दर्शन करुचे अन्य पटे सूर्य देवतांकर दर्शन करिबा पई अपेक्षा करिचे कारण सूर्यंकर उदय पर्व को जी दर्शन करे तार मनर विश्वास आत्मविश्वास दृढ़ होई थाए जो मनोबल भांगी पड़ी थाए कौनसी कार्य करिबा पई स्पृहा आसी न थाए शरीर प्रति जो असमर्थ सी अनुभव करे का प्रथमतः मानसिक स्तर रे दुर्बल हो गले शरीर दुर्बल हो जीव तेणु जिते बड़ रोगीटे हौ जदि मनोबल दृढ़ अच्छी रोग शरीर रे थिबो सी किंतु तार अविराम गति रे से चली थिबो सेभली भाव रे मानसिक स्थिति बा मानसिक शांति पाई सूर्य उदय निहाती आवश्यक प्रत्येक प्राणी का जो मनुष्य का प्रति उदय पर्व धीरे धीरे आप दर्शन करुचंते सूर्यंकर ये उदय पर्व नुह उदय हो सारी आकाशरे तंकर स्थिति आप दर्शन करुचंते जेते बले उदय हेबे से जल गर्भरु ही समुद्र गर्भरु ही उदय हो जाहौ सूर्यंकर लाल बर्णर रूप स्वरूप पर्यंत आमे दर्शन करिपारु चाही पारु सूर्यंकु चाही पारु वर्तमान जे सूर्य देवतांकु दर्शन करिबा संपूर्ण रूपे से सूर्यंकर दर्शन ही करिथाए कारण तांकर प्रखरता आसी नथाए लाल वर्णर से सूर्यंकर रूप को स्वरूप को अनुभव करे एवं जलराशि से समुद्र जल को दर्शन मात्र के ही तार मन भितरे
मानसिक स्थिति संतुलित होता है। मानसिक स्थिति संतुलित हेले मन स्थिर रहिबो, मन स्थिर रहिले शरीर निरोग रहिबो, शरीर निरोग रहिले आत्मविश्वास सुदृढ़ रहिबो। आ आत्मविश्वास काई सुदृढ़ रहिबा दरकार, मनुष्यर सर्वश्रेष्ठ शक्ति जो सर्वशक्तिर आधार होती सूर्य देवता, मनीष से तार आत्मविश्वास को सुदृढ़ करने सूर्य उदय व सूर्यंकर प्रथम दर्शन से करिबा निहाती अनिवार्य। समुद्र जल आज ढेर व लहड़ी छोट छोट लहड़ी मान उठु थाए, ढेर सहित छोट छोट लहड़ी की देखापी ए मन चाहता है। मुक्त आकाशे पक्षी माने भी से समुद्रकूल वितरण करोट वितरण करण ये कर्म लगिपड़ सूर्य आसीगले, सूर्य देवता उदय पर्व हेले समस्ते स्वस्व कर्म लगिपड़ था। बैश पावच्छर स्पर्श कर जो मन भितर उत्कंठा थाए प्रभु को दर्शन करने को जीवा ये से बैश पावच्छ या को अतिक्रम कले ही आप प्रभु दर्शन पाइबे। बहिर्पावच्छ बोली कह जाए जा हूँ बहिर्पावच्छर स्पर्श बा बहिर्पावच्छ दे आम प्रभु को दर्शन करूँ। एपटे सूर्यंकर दर्शन करवा निहाती कहीं आत्मविश्वास कथा कहते जिते बड़े आत्मविश्वास मनुष्यर बढ़ी जाए से समस्त झड़ झंझा प्रतिहत करिपारे। साधारणत टे समस्या आसले जो मनोबल भागि जाए से मनोबलटा दृढ़ ही थाए केवल सूर्य दर्शन अभ्यास द्वारा। जीवन तो अनेक झड़ अनेक झंझा आसीबो। जड़े माँ अरुण स्तंभ को परिक्रमा करुचंती नामकीर्तन करिकि अति सुंदर दृश्य टे से दृश्य ही मन परिवर्तन कर दिए, आध्यात्मिक परिवेश मन परिवर्तन कर दिए। आध्यात्मिक दृश्य देखिले मन परिवर्तन हो जाए, प्रकृतिर दृश्य देखिले मन परिवर्तन हो जाए, सूर्यंकर दर्शन कले मन परिवर्तन हो जाए, प्रभुंकर दर्शन कले मन परिवर्तन हो जाए। मन को सदावे परिवर्तन करिबा समस्ते कहते कारण मन स्थिर रही न था रही पारे ना। अर्जुन भी मन को स्थिर करने काठिकर पाठ तांपड़ा भगवान कृष्ण को से प्रश्न करते आपण कहते कि मन को प्रकृत कि भाव में स्थिर कर मन केमी स्थिर हम सदा सर्वदा मन अस्थिर चंचल तथापि तो भगवान कही स्थिर कर उपाय रही अर्जुन ए मन को नियंत्रण करार मार्ग रही मन को स्थिर करार उपाय रही अभ्यास द्वारा सिद्धि प्राप्त हो पारे। आज नई काली हम काली नई पर दिन हम ए जो प्रतिज्ञा संकल्प मन आसवा दरकार से संकल्प मन आसवापी आत्मविश्वास दृढ़ हवा दरकार। जो आत्मविश्वास कही श्रेष्ठ शक्ति हूँ मनुष्यर श्रेष्ठ शक्ति आत्मविश्वास। आत्मविश्वास ना सामान्य झड़ टिके आसिले आपण हारिजे, सामान्य झड़ झंझा भितर रही विचलित होजे, किंतु निविड़ अंधकार निजर पथ स्वयं खोजी नहीं था जो माने से माने जहाँकर आत्मविश्वास बढ़ी थाए। आत्मविश्वास बढ़ी थाए ए बड़ दंड जड़े देखु महाप्रभु के भाव भक्तिर अश्रु निगाड़ी दौंती महाप्रभु से सिंहद्वार जी भी आत्मविश्वास बढ़ी बा आत्मविश्वास को संग्रह सुदृढ़ करी से अंधारे रे थिले आलोकर पथ से खोजी पारिबो। ए सक्षम ए समर्थ ता शरीर भितरे स्वतः आसी थाए केवल आत्मविश्वास। प्रत्येक परिस्थिति रे मनुष्यर गोटे मात्र साथी होची आत्मविश्वास। आत्मविश्वास एभली एक शक्ति मृत्यु मुखर बंचाई दबो। यदि आत्मविश्वास नहीं भल लोकटीए मृत्यु आड़ चली तेणु सकल शक्तिर आधार आत्मविश्वास। शक्ति सूर्य दिंती, कर्मर शक्ति सूर्य दिंती, धर्मर शक्ति सूर्य दिंती, मनर शक्ति सूर्य दिंती,
ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହିଛେ ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ। ମାଙ୍କର ଜଣେ ବୃଦ୍ଧା ତାଙ୍କର ପରିକ୍ରମା ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନରେ ସାରି ନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଇଏ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭକୁ କିଏ ସାତ ବାର, କିଏ ଏକୋଇଶ ବାର, କିଏ ଶହେ ଆଠ ବାର ଏଭଳି ଭାବରେ ପରିକ୍ରମା କରିଥାନ୍ତି। ପରିକ୍ରମା କରିବା, ବେଢ଼ା ପରିକ୍ରମା କରିବା, ସ୍ତମ୍ଭ ପରିକ୍ରମା କରିବା ଅର୍ଥ ଯାହା କୃତକାର୍ଯ୍ୟର ପାପ ଥାଏ ତା ବିନାଶ ଯାଇଥାଏ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ପାପ ବିନାଶ ଯାଇଥାଏ, ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ପାପ ବିନାଶ ଯାଇଥାଏ, ତୀର୍ଥରେ ସ୍ନାନ କଲେ ପାପ ବିନାଶ। ତେଣୁ ନିଃସନ୍ଦେହରେ ଏଇ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯେଉଁ ଉଦୟ ପର୍ବକୁ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି, ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, କେହି କେହି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେଣି ସ୍ନାନ କରିବେ ବୋଲି ସମୁଦ୍ରରେ, ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଯିବା, ସମୁଦ୍ରରେ ସ୍ନାନ ନ କରି ତାର ଆନନ୍ଦ ନ ନେଇ କ'ଣ ଫେରିବା, ଏ ମାନସିକତା ସମସ୍ତଙ୍କର ରହିଥାଏ। ସ୍ନାନ ତ ସମସ୍ତେ ସବୁଦିନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ରରେ ସ୍ନାନ କରିବା ଆନନ୍ଦ ସହିତ ପୁଣ୍ୟତା, ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ବାଲିରୁ ପାଣି ଭିତରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଯେଉଁ ଶାମୁକା ଟିକିଏ ହଉ, ସିପ ଟିକିଏ ହଉ, ସା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ କେଉଁଠି ନଥାଏ। ତେଣୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏକମାତ୍ର ସାଥୀ ହେଉଛି ମଣିଷର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରି ନେଇଥାଏ। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷମାନେ ଦେଖିବେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଳରେ ସଂସାରରେ ଅନେକ ଅସାଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସାଧନ କରନ୍ତି, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ ଯୋଗ୍ୟ ଅସାଧ୍ୟ ସିଏ କେବଳ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା। ଏଇ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆସିବ ଆପଣ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ପଠନ କରୁଛନ୍ତି ଏକତ୍ରିତ ଭାବରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ପୂର୍ବକ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ, ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିଲେ। କିଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା, କିଛି ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ମନ ଭିତରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ, ଅସାଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବି ଆପଣ ସାଧନ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ପ୍ରଥମ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବ। ଆପଣ ଯାହା ଭାବିବେ, ଯାହା ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଯାହା ସ୍ୱପ୍ନ ଥିବ ଆପଣଙ୍କର, ତାହା ପୂରଣ କରିପାରିବେ ଯଦି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ସୁଦୃଢ଼ ରହିଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ମନ ଭିତର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ସଫଳ ଜୀବନର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର। ଜନ୍ମ ହେଇଛେ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପୁଣି ମଣିଷ ଜୀବନ, ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ଇଏ ଜୀବନ। ଜୀବନର ସଫଳତା, ଅନେକ ସଫଳତା, ଅନେକ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ଥାଏ ପ୍ରତି ମଣିଷର, ସେଇ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ଅଭିଳାଷ ପୂରଣ ନହେଲେ ମନ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଏ, ଅକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ରହେ ନାହିଁ, ବାରମ୍ବାର ଅକୃତ ହେଲେ, ବିଫଳ ହେଲେ ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରେଇ ବସନ୍ତି। ତେଣୁ ଏସବୁରୁ ମୁକ୍ତ ପାଇବା ପାଇଁ, ଯେଭଳି ମୁକ୍ତ ବାୟୁ ଟିକେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ରହିଥାଏ, ସେହିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ, ଭକ୍ତିର ସମ୍ପର୍କ, ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ମାର୍ଗ ରହିଥାଏ, କ୍ରିୟା ରହିଥାଏ, କର୍ମ ରହିଥାଏ। ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ସୁପଥ ରହିଥାଏ, ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ସମସ୍ତ ସଫଳତାର ଚାବିକାଠି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଫଳତା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ରହିଥାଏ, ବିଫଳତା ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ରହିଥାଏ। ବିଫଳତା ଆସିଲା ଯେ ଆମେ ଭାଙ୍ଗିଯିବା, ମନ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେବା, ସେଇମାନଙ୍କର ହେଇଯାଏ ଯାହାର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ନଥାଏ। ତେଣୁ ଏ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଯେଉଁ କହୁଛେ ଆମେ ଯୋଗ ସାଧନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଉ। ଯୋଗ ସାଧନ କଲେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଧୀରେ 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 ଦେଖିବେ ଯାହା ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ ତାହା ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବେ, କରିବା ପାଇଁ ମାର୍ଗ ପାଇପାରିବେ। ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ମାର୍ଗ ଯିଏ ପାଇଯାଏ ସେ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଯାଏ, କାର୍ଯ୍ୟ କରିଦିଏ,
से निर्द्वंद्वर कार्य करिबा पाई आमे निश्चित भाव रे साधना जोग साधना प्रत्येक कर्मर फल से ही कर्मर ही मिले बोली आमे समस्त जानिचे। मनर प्रत्येक धारणा ही कर्म कार्यर फलाफल कौन हेबो कर्ता ताहाकु अनुभूति द्वारा ही जानि थाए। जने साधक ध्यान अभ्यास करिवो से ध्यान करुचि जोग करुचि ध्यान द्वारा बुझी पारिबो जे आत्मा हेउचि प्रकृत कर्ता। आत्मा द्वारा प्रत्येक कार्य संपादन हेउचि ए से बुझी पारिबो। तापरे साधक प्रत्येक कर्म और प्रतिक्रिया रे प्रत्येक प्रक्रिया रे बंधन मुक्त हो पारिबो। सूर्यंकर दर्शन सरीदेले आउ प्रत्यावर्तन करी आसुचंती आउ सूर्यंकर प्रखरता जेतेबेला आसिला शीतलता आउ नाही समस्त समुद्र कूलरु कर्मक्षेत्र को बाहरी पड़िबे। सूर्य किंतु तांकर कर्म करी चालिबे कारण कहार शीतलता दरकार शीतल रश्मि रेणु दरकार कहार प्रखर रेणु दरकार समस्त समस्तंकर आवश्यकता पूरण करती सूर्यंकर एकमात्र देवता सूर्यंक ठारु। तेणु आमे कहुतले जो साधना जोग साधना करिबा प्रत्येक सुस्थ मानसिकता सुस्थ शरीर पाई ही प्राणायाम कहतु जोग कहतु ये सब मुनि ऋषि माने करुथले। सेथिपाई से प्रत्येक वस्तु प्रत्येक व्यक्ति भितरे भगवान अछंत बोली से अनुभव करते निज भितरे आत्मा को उपलब्ध करिबा पाई जोग साहाज्य करे। ये जो भक्त माने आसुचंती कौन पाई आसुचंती ना ये जने जने भक्त जने जने आत्मा कुहंतु आत्मा परमात्मांकर जोग हबो बा भक्त भगवानकर जोग हबो ये जोग क्षेत्र केवल समस्तंकर उत्कंठा आसीछि धाड़ी रे आसी व्याकुलतार सहित प्रवेश करुचंती सिंहद्वार बाटे सही बाईश पावच दे ये प्रभुंक सहित परात्पर परमेश्वर परमात्मांक सहित जोग सूत्र रे रहिबे किछि समय किछि मुहूर्त सही समय किछि मुहूर्त जोग सूत्र रे रहितिबे सही जोग सूत्र द्वारा ही से तांकर कर्म जहाँ करिवार रहिछि एठु जाय समस्त कर्म रे लागि पड़िथाम गोटे शक्ति प्राप्त होइथाम। सही भक्त माने कहिछन्ते महाप्रभुंकर दर्शन जेतेबेले करि देउ पुनश्च कर्म क्षेत्र रे आउ दुई हाथ माडि जिबा पई गोटे शक्ति आमर आसीथाय ऊर्जा गोटे आसीथाय से शक्ति ही प्रदान करंती प्रभु जगन्नाथ। सूर्यंकर आमे संपूर्ण रूपे दर्शन करुचे कौन ना आउ से लाल बर्णर सूर्य बा शीतलता आमको देखिले भी अनुभव आसीबन कारण परिवर्तनशील होती सूर्य नारायण बर्तमान तांकर प्रखरता धीरे धीरे वृद्धि हेब जेतेबेले अस्तगामी हेबाकु से चाहिबे उदयर परिवेश बा उदयर अनुभव अस्त बेले ही ए अनुभव पाइबा ता मध्य भागरे प्रखरता धीरे धीरे वृद्धि रहिबो अरुण स्तंभर स्पर्शता मन भितरे आनंद ही आनी दे थाए पवित्रता आनी दे थाए। तेणु समस्त समस्त पिलामान को धरी आसी पहुँच चंती से प्रभु को दर्शन करिबा पाई मनुष जीवन को सार्थकता करिबा पाई कारण जीवन स्वल्प किंतु आध्यात्मिक पथ अनेक मनुष तार ग्यारंटी बा तार कही पारिबन मुहूर्त करे कौन हबो सेतिपाई जीवन हेउची स्वल्प किंतु आध्यात्मिक पथ अनेक रहिछ। जीवन हेउची समस्या बहुल अनेक समस्या को सम्मुखीन हेबा तार सत्वे आमे भगवान को खोजिबा प्रत्येक समस्या रु मुक्ति पाइबा पाई प्रत्येक समस्या रो समाधान पाई अनेक मार्ग सृष्टि करिछंती साधु संत माने सन्यासी माने जेते प्रकार जोग रहिछि कण ध्यानस्थ हेबा जोग करिबा ए प्रातः समय रे काही कि ए सब कथा आमको मने रखिबा को पड़िबो ना आरंभ हुए मनुष्यर दिवस सूर्यंक ठारु
गोटे आहुला मरा डंगाटे कूल को आसी पहुँचला। ये डंगा जाते समुद्र भितर को मत्स्यजीवी तर जो कहते किए ना एमाने होचंती मत्स्यजीवी समुद्र उपर आंकर निर्भर कर चलते वर्षक बार मास ना खरा ना शीत ना झड़ ए समुद्र भितर रही जाते। आज समुद्रकूल अधिकंतु भक्त मान दृश्यमान होती कारण जी भी बुलवाक आसती समयटू से समस्ते चिंता कर प्रातः समय जा समुद्र स्नान कर सूर्यंर दर्शन कर श्रीक्षेत्र को आसी श्रीमंदिर जगन्नाथ को दर्शन करवा ये मन भितर गोटे अभिलाष थाए से अभिलाष पूरण करने यथार्थता होती समर्थ होता जिते श्रीक्षेत्र पहुँची जाते प्रभु सहित तांकर जोग भक्तिर जोग संपर्क रक्षा कर भक्तिर जोग ही फलप्रद करिथाय जीवनर सफलता। जेतिके लोक देखुचंती भक्त मान आज बाईश पावच देखुले से बाईश पावचर कई भक्त को आम दर्शन करू नथिले तेणु बाईश पावचर दर्शन कर पूर्वद्वार दर्शन स्पर्श अनुभव कर से तांकर आगे चली लक्ष्य हूँ समस्त गोटे से चका चका आखि को दर्शन करेंगे आखि सहित आखिर जोग करेंगे चर्म नेत्र ब्रह्म नेत्र सहित संपर्क हेब भगवान परम ब्रह्मंकर नेत्र सी अपलोक नेत्र जेतेबेले चर्म नेत्र सहित संपर्क आसी थाए ये नेत्र मध्यरु अश्रु निगाड़ी जाई थांती से अश्रु हेउछंती मनुष्यर कामना कारण कामनार विनाश रे दुखर विनाश जो अश्रु निगाड़ी देई थांती महाप्रभु से मनर वेदना मनर कामना को से अश्रु द्वारा ही से निगाड़ी देई थांती तेणु ब्रह्मचक्षु सहित जेतेबेले चर्मचक्षुर मिलन होइथाए आपे आपे चर्मनेत्र बंद होइथाए अंतर्चक्षुरे महाप्रभु सहित कथोपकथन भाव विनिमय चली थाए से जीव से भक्तर देखिबे अनेक प्रभु सम्मुखरे दर्शन कलापर करुवा समय रे से किभली भाव रे तांकर भाव विनिमय करते कहीं भाव विनिमय करते कारण भाव रंकुणा होती महाप्रभु जगन्नाथ भाव रंकुणा जेमती सुदामा जो खुद बजा को चाह रही आनी सुदामा नहीं एक भगवान को जना थिला से खुदा रंकुणा बोली कह जाए सी भी भाव रंकुणा भाव टिके प्रदान करदे महाप्रभु सर्वस्व प्रदान करदे आपण टिके भाव से सर्वस्व देवे सदा बेले कहिसेंति भाव विनिमय जे करिछि भाव कराई सहित संसार रे कोनोसी कार्य रे से अकृतकार्य होइनाही बा कोनोसी अप्राप्त नथिबा वस्तु मध्य प्राप्त होइचंति भगवान चाहिले ता संभव हो निश्चित भगवान चाहिले निश्चित भाव संभव हो कारण सी असंभव को संभव करिबा ठाकुर प्रभु जगन्नाथ हौ सूर्य नारायण को दर्शन तो मिलीगला आज मंगलवार रे समस्त मंगल दोष कारण मंगल दोष होउची विफलतार समस्त कहते मंगल दोष काटिबा मंगल दोष थिले कृतकार्य हो न थांती मंगल शुद्धि ए समस्त शुद्धि प्रभु सूर्य नारायण को दर्शन रे मिली जाय था सुन्नाब बालुका राशि बेले 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 पवित्र सिंह द्वार भक्तंकर मेल समागम आगमन यही खुशी दे थाए आनंद दे थाए मनुष्य चाहे सदा बेले आनंद रे रहिबा पाए से आनंद ही आसीबो भजन कीर्तन करिवे दर्शन करिवे प्रभुंकर गुण कीर्तन करिवे आसंतु प्रातः समय रे प्रभुंकर तो स्नानादि कर्म बढ़ी सारिलाणी भजन टिके शुणिबा पारंपरिक भजन अनेक भजन कंठशिल्पी नमिता अग्रवाल माम कंठरे रही भगवान कृपा करी भावपूर्ण कंठरे भक्त
भजन टीए शुणी प्रभुंकर कृपा लाभ करिबा। जय जगन्नाथ।